है और ये PCR बेस्ड है। ये किट जो है इसका इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले बुध जुमेरात तक जो कमर्शलाइजेशन का एग्रीमेंट है नस्ट का वो हो जाएगा, जिसके बाद हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी हमारी अपनी बड़ी तादाद में हम अपनी खुद जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। लेकिन ये जो हमारा जो जो हमारी PPs हैं, दूसरी जो 9 PPs हैं जिसमें 9 प्रोडक्ट्स हम समझते हैं कि वो हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त हम सफिशेंटली खुद बना रहे हैं। उनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। फैसलाबाद टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है उसको अब हमने फुली इक्विप कर दिया है कि वो तमाम टेस्ट जो हैं हमारे कपड़े से रिलेटेड, मास्क से रिलेटेड, वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त तमाम इक्विपमेंट है। ये जो मास्क हम पहनते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि ये तो बस एक खाली, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कोई ख़ास कपड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो सर्जिकल मास्क हैं इसके कम अज़ कम 15 टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए। 15 टेस्ट में आपका जो है वो उसकी थिकनेस का टेस्ट आता है, उसका वॉल्यूम का टेस्ट आता है, उसका मॉलिक्यूल्स का टेस्ट आता है कि उसके अंदर जब आपको जो आप पार्टिकल्स फेंकते हैं वो उसके कितने अंदर जा सकते हैं, पार्टिकल टेस्ट आता है, फिर उसका जो है वो मॉइस्चर कितना वो ले सकता है उसका टेस्ट आता है। सो एक एवरेज सर्जिकल मास्क जो बनाते हैं उसका 15 के करीब जो है वो टेस्ट है। इसी तरह से जो N95 मास्क जो अब पाकिस्तान में हम अपना वो भी हम बनाना शुरू हो गए हैं, अब उसके तकरीबन 18 टेस्ट है। तो हमारे पास जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है अब ऑलमोस्ट उसके पास 100% हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है मौजूद हो गई है, और अब हम उसको इक्विप कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को अब हमने ये जिम्मे दिया है कि वो इसको PSQCA जो है वो अब इनको जोड़ रहा है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जब हम अपनी एक्सपोर्ट उठाएं यहाँ पे अपने सर्जिकल मास्क के लिए एक्सपोर्ट अलाउ करें, जो भी अलाउ नहीं है, तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो है वो ना आए, और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज़ थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिलके, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ मिल करके हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए, और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आए बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। सर वेंटिलेटर बहुत बड़ी इक्विपमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में कह रहे हैं उन्होंने कि इस वक्त कैपेसिटी है। नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ। अगर कोई इम्पोर्ट की भी आपने बात, एक्सपोर्ट की बात, हाँ। कहीं मायदा कोई ऑफर आई है? नहीं अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी NCOC हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम NDMA के हवाले कर सकेंगे। तो इसको आगे फर्दर एनहांस करने के भी प्लान है या ये यहीं पे इधर तक ही महदूद रहेगा? ये बड़ी देखें बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना, ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ें हम तो इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह से हम अपना स्टेथोस्कोप खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर खुद नहीं बनाते, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन हम खुद नहीं बनाते। सो हम अपना कुछ खुद नहीं बनाते, हर चीज़ हम बाहर से लाते हैं, रखते हैं, चलाते हैं। इस एफर्ट का जो असल फ़ायदा ये होगा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री की बुनियाद जो है वो रखी जाएगी। और अभी मेरी बात चल रही थी फैसलाबाद की, जो हमारा SCZ है उनसे भी, और सुबह हमाद अज़हर साहब से भी मेरी बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर इंडस्ट्रीज से,
कि हम एक SEZ डेवलप करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करेंगे सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, और उससे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है जिसकी बुनियाद इंशाल्लाह जो है वो रखी जाएगी। और मैं आप लोगों के तवज्जो से ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। वफाकी वजीर ब्राय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग किट्स हम खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे और सर्जिकल मास्क तैयारी के वक्त टेस्टिंग के 15 मराहल से गुजरता है। पाकिस्तान में जल्द ही N95 की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी।